हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल सो so, आज की इस वीडियो में यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं बहुत ही बेहद ख़ास वीडियो होने वाला है यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा अभी जो इन एन डी ए और सी डी एस का एग्जाम होने वाला है इसमें ये सबसे अच्छा खासा ये अगर सेना में भर्ती होना है तो सबसे अच्छा खासा एग्ज़ाम यही माना जाता है अगर आप इसको क्लियर कर लेते हो तो काफ़ी अच्छे खासे अफसर के पद पे आप लोग हो जाओगे जैसे आप लोग देखते होंगे ना जैसे सेना के प्रमुख या वो सब ज़्यादा करके इसी में इसी के थ्रू होते हैं इसका देहरादून में है कोशिंग चेन्नई में है ये सब है इनके लोकेशन यहाँ पर इनकी ट्रेनिंग हो होती है तो अभी हम आप लोग को यहाँ पे बताने वाले हैं कि जैसे इसका एग्जामिनेशन कब से कब स्टार्ट हो रहा है कब ख़त्म होगा इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इसका सिलेबस क्या होगा और इसके सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या होते हैं मान लो अगर आप लोग एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हो तो आपको कौन कौन से स्टेज से गुजरना पड़ेगा इन सब के बारे में यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं तो जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे इसके कुछ लिंक दिए गए हैं लिंक भाग वन का पंजीकरण और सेकेंड भाग का रजिस्ट्रेशन ये दोनों दिए गए हैं मतलब क्या होता तो है फर्स्ट फार्म में आपको लोग को अपना पहले रजिस्टर करना होगा वहाँ पे ईमेल आईडी वगैरह सब कुछ डालना पड़ेगा रजिस्टर कर लोगे तो आप लोग को वहाँ पर जैसे फीस वगैरह कटाना होगा ना वो भाग दो में जाएगा तो इसका जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो इसका एग्जाम कब से स्टार्ट कब हो रहा है नोटिस डे से बाईस से नोटिस आ चुका है और ये ग्यारह ग्यारह एक दो हज़ार बाईस तक तक ये वैलिड है ये छः शाम के छः बजे तक आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हो ये सेम दोनों का एन और सी अब एन के बारे में मैं बता देता हूँ एन क्या होता है एन डी ए जैसे अभी आप लोग जैसे क्या है अभी जैसे छोटे होते हैं ना जैसे मान लो कोई अभी ट्वेल्थ में अपेयरिंग है अगर कोई ट्वेल्थ अपेयरिंग मतलब ट्वेल्थ में अभी गया हुआ है उसका अभी मान लो मार्च अप्रैल तक एग्ज़ाम होगा या जनवरी फरवरी तक एग्जाम होगा वो लोग भी इसको दे सकते हैं और सी वाले में क्या होता है आपका ग्रेजुएसन कम्प्लीट होना ज़रूरी है इसकी में आपकी एज भी जरूरी थी है जैसे लगभग साढ़े सत्रह से लेकर साढ़े उन्नीस तक होता है एन का सी का थोड़ा ट्वेंटी फोर के आसपास होता है तो अभी सब कुछ एग्जैक्ट डेटा हम लोग देखेंगे आगे तो चलो स्टार्ट करते हैं आप लोग को यहाँ पे दिखाते हैं कैसे क्या क्या है और इनके आप लोग जो भी इनके लिंक हैं मैं इसको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आप लोग वहाँ से जाकर डायरेक्टली देख सकते हो और उसको अप्लाई कर सकते हो ठीक है तो चलो अब मैं अभी ओपन करता हूँ इसका नोटिफिकेशन बॉक्स जो मैंने अभी डाउनलोड कर लिया है इसको मैं आप लोग को दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में वहाँ से आप लोग देख सकते हो ठीक है तो जैसा कि यहाँ पे जो इनका फर्स्ट वाला ये नोटिफिकेशन आया हुआ है इसमें सब कुछ इसके बारे में बताया गया है अच्छे से ठीक है तो जैसे कंडी डेट की क्या क्या एलिजिबिलिटी होगी क्या क्या सिलेबस होगा सब कुछ इसके बारे में है तो मैं आप लोग को सब कुछ बता देता हूँ एक एक करके तो जैसा कि यहाँ पे जैसे मोबाइल फोन वगैरह वही सब मतलब जैसे एग्जाम में जाओगे तो कोई सब बैन है सबको पता होता है तो जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मेन ये है, है। यहाँ पे क्या है जैसे ये नेशनल डिफेंस एकेडमी ना क्या होता है इसमें हमारे सेना के तीनों अंग जैसे क्या होता है आर्मी नेवी एयरफोर्स तीनों इसमें आते हैं तो जैसे मैंने जब इसका एन क्लियर किया था तो हमारा क्या होता है एन अगर मान लो कोई क्लियर कर लेते हो आप लोग तो फिर आप लोग को शॉर्ट लिस्ट किया जाता है शॉर्ट लिस्ट किए जाओगे तो आप लोग को एस एस बी के लिए आप लोग को भेजा जा जाएगा एस एस बी इंटरव्यू देने के लिए आपको वो लोग कहीं भी शेड्यूल कर देंगे तो जैसे आप लोग यहाँ पे प्रेफरेंस देंगे कहाँ पे जैसे मेरा क्या गया था मोमेंट कंट्रोल ऑफिस ये इलाहाबाद में तो इलाहाबाद में आप लोग को जैसे आने जाने का सब कुछ खर्चा हो मतलब कहीं भी आपका अगर इंडिया में कहीं भी होता आने जाने का ख़र्चा आपको ये चाहे आपका हुआ या ना हो आपका आने जाने का ख़र्चा ये लोग देते हैं वहाँ पर रहने खाने का भी होता है जो पाँच दिन का एस एस बी होता है अगर और अगर आप लोग एस एस पी क्लियर कर लेते हो तो फिर आप लोग को वहाँ पे आपका उसमें हो जाएगा फिर फिजिकल वो सब कुछ ट्रेनिंग आपका होगा तो यहाँ पे जैसे आर्मी के आप लोग देख सकते हो इसमें क्या है दो सौ आठ हैं दो सौ आठ हैं और जिसमें से क्या है दस फीमेल भी इसी में इंक्लूडेड हैं मतलब एक सौ अट्ठानबे हैं मेल के लिए और दस फीमेल के लिए नेवी के लिए हैं फोर्टी टू आप लोग यहाँ पे देख सकते हो नेवी के लिए फोर्टी टू हैं और इसमें तीन फीमेल से हैं एयरफोर्स के लिए आप लोग के लिए फ्लाइंग के लिए जो जहाज़ चलाते हैं इनके लिए बानवे हैं दो फीमेल के लिए ग्राउंड ड्यूटी में है एयरफोर्स में भी ग्राउंड ड्यूटी अट्ठारह हैं और दस हैं ग्राउंड ड्यूटी जैसे कुछ भी काम हो जाएगा तो उसके लिए भी दस इस यहाँ पे लिए गए हैं अब नेवल एकेडमी क्या होता है अब जिसे कैडेट एंट्री इं, के लिए तीस इस इसमें लिए गए हैं नेवी के लिए ठीक है एयरफोर्स नेवी वही लिया गया नेवी एकेडमी अकेडमी टेन प्लस टू कैडेट स्कीम ये होता है उनका कुछ स्कीम जैसे मान लो कोई अच्छा रैंक लाता है उनके वही सब होगा अब इसमें क्या है टोटल चार सौ नंबर का ये कुछ दिया गया है चार सौ अब वही सब यहाँ पे दिया गया मैं आपको लोग को बता दे रहा हूँ क्या क्या है अब जैसे सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन के क्या क्या सेंटर हैं आप लोग यहाँ पे जाके सेलेक्ट कर सकते हो अगरतला आगरा है जैसे अगरतला आगरा अजमेर अहमदाबाद अजमेर सब कुछ यहाँ पे दिया गया है आप लोग देख सकते हो जैसे गोरखपुर गुड़गांव ग्वालियर जहाँ भी आपको सही लगे तीन चार आपको वहाँ पर भरना होगा उसको आप लोग भर भर दोगे आपके प्रेफरेंस के हिसाब से आपको उसका एग्जाम सिटी दिया जाएगा वहाँ पे आप लोग को जाके एग्ज़ाम देना है तो सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि इसके दो पेपर होते हैं पेपर वन और पेपर टू पेपर वन में क्या होता है आपका जैसे एक मैथमेटिक्स का होता है और पेपर टू में जैसे जी एस हो जनरल साइंस मतलब जनरल नॉलेज हो गया और फिर विज्ञान के जैसे भौतिक विज्ञान होते हैं रसायन विज्ञान के छोटे छोटे क्वेश्चन पूछा जाएगा विद्युत धारा क्या है उसका फार्मूला क्या होता है छोटे बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं काफ़ी जैसे एक अगर कोई पिंड इतने भी एक से जा रहा है तो उसका तो क्या होगा ऐसे छोटे छोटे काफ़ी अच्छे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप लोग कर लोगे आराम से लेकिन आपको जी के और इंग्लिश पे काफ़ी अच्छा फोकस करना होगा ठीक है अब जैसे यहाँ पे दिया गया कि कैंडिडेट की क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए तो यहाँ पे ये आप को पता ही है सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए या नेपाल का है तो दोनों लोग लो भी अप्लाई कर सकते हो और फिर या पाकिस्तान से माइग्रेट होकर इसमें अपने आ जा गए पाकिस्तान श्रीलंका भू, भूटान बर्मा जिससे बहुत लोग आ गए होंगे ना जब पार्टीशन हुआ था हमारा बंटवारा हुआ था तो ये अगर नेशनलिटी अपने इंडिया का पा गए हैं तो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं अब जैसे इनका क्या एज कितना एज होना चाहिए मेल या फीमेल क्या होना चाहिए सब कुछ यहाँ पर दिया गया है तो ओनली अनमेरिड कैंडिडेट फीमेल कैंडिडेट बॉर्न नॉट एर्यर मतलब आपको दो जुलाई 2003 से पहले आपको जन्म नहीं हुआ होना चाहिए और ना ही एक जुलाई 2006 के बाद में मतलब वही एन के लिए आपका और सी दोनों का लगभग इसमें मिला के दिया गया है तो वही लगभग साढ़े सत्रह से लेकर उन्नीस साढ़े उन्नीस के आसपास का एनडीए के लिए होता है और चौबीस तक लगभग सी डी का होता है तो यहाँ पे सब कुछ दिया गया है नोट किया है ये सब एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए आपको दस दस भी पास होना चाहिए या दस टेन प्लस टू स्कूल एजुकेशन इक्विवेलेंट कंडक्टेड स्टेट बोर्ड यूनिवर्सिटी को भी बताया गया है अब इसके बाद में क्या करना है या तो आप लोग रिपेयरिंग हैं और वो लोग भी इसको अप्लाई कर सकते हैं एग्जाम दे सकते हैं फार एयर एयर फोर्स नेवल विंग्स नेशनल डिफेंस अकेडमी टेन प्लस टू कैंडिडेट इसकी एट द इंडियन नेवल अब इसमें क्या गया है ट्वेल्थ पास होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में अब स्कूल ये सब बताया गया है कंडक्टेड बाय द स्टेट एसकेशन बोर्ड आर यूनिवर्सिटी कैंडिडेट हुआ रेपेयरिंग अगर जैसे मैंने बताया ना अगर लोग अपेयर भी हो तब भी अप्लाई कर सकते हो इसके लिए अब यहाँ पे अब यही बता रहा सच कैंडिडेट हु क्वालिफाई एस एस बी इंटरव्यू बट कुड नॉट प्रोडक्ट द मेट्रिकुलेसन टेन प्लस टू इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट इन ए, इन दरिजिनल इन टाइम एस एस बी इंटरव्यू शुड फॉरवर्ड डोली अटेस्टेड फोटो कापी और डायरेक्टरी जनरल रिक्रूटिंग आर्मी हेडक्वार्टर से आप लोग को क्या करना है वही जैसे बताया गया कि अगर आप लोग एस एस बी वगैरह क्लियर कर लेते हो अगर उस समय भी जैसे पेयरिंग जो है मान लो उनका उस समय भी अगर मार्कशीट नहीं मिलता है तो आप लोग को एक अटेस्ट अटेस्ट करवाना पड़ेगा हेड क्वार्टर से ठीक है अब यहीं पे दिया गया ब्लॉक आर के पुरम न्यू दिल्ली पे जाना पड़ेगा वहाँ से आप लोग नेपर अकेडमी से यहाँ पे उसको करा के आप लोग दे सकते हो अब यहाँ पे दिया गया बोर्ड यूनिवर्सिटी कौन कौन से होना चाहिए सर्टिफिकेट सबके बारे में एक बताया गया एक बार आप लोग देख लेना अब फिजिकल स्टैंडर्ड में आप लोग का क्या क्या होना चाहिए अब देखो फिजिकल स्टैंडर्ड में कैंडिडेट मस्ट है फिजिकल फिजिकली फिट आपको होना चाहिए कोई भी आपको कोई दिक्कत शरीर में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए अभी नेशनल डिफेंस एकेडमी नेवल एकेडमी एग्जामिनेशन 2022 पर गाइडलाइंस अब यहाँ पे दिया गया है अब इसका एग्ज़ाम फीस क्या क्या है अब जैसे देखो कैंडिडेट एक्सेप्टिव एस सी एस टी कैंडिडेट फीमेल कैंडिडेट वर्ड्स जे सी ओ एन सी ओ ओ आर एंडसाइड नोट टू वे लो है फ्रॉम द पेमेंट ऑफ फी अब इनको रिकार्ड सौ इसका फीस है ठीक है यहाँ पे सौ रुपए का फीस है आप लोग को यहाँ से किसी एस बी आई भेजा या मास्टर कार्ड रुपये से आप लोग को डेबिट या क्रेडिट कार्ड से आप लोग से पेमेंट लो कर सकते हो तो इसका यह पेमेंट मेथड है तो सब कुछ बताया गया है अब उसके बाद में अब हम लोग आग जाते हैं देख लेते हैं कि इसके सिलेबस क्या क्या हैं वोटर आई कार्ड तो सबको पता ही होगा अब सिलेबस क्या क्या है उन सब के बारे में यहाँ पे जैसे सेंटर ऑफ एग्जाम सब कुछ दिया गया है अब हम लोग सिलेबस देख लेते हैं कि क्या क्या सिलेबस हैं अब यहाँ पे दिया गया है उसके बाद में आ जाते हैं ये क्या है कैंडिडेट ऑफ द रिजल्ट का रिजल्ट अनाउंस होगा हाँ ये आ गया मेन यही मैं बता रहा था कि आप लोग को क्या हो गया ढाई ढाई घंटे का दो टेस्ट होंगे <coughs> सबसे मेन स्कीम आपकी एग्जामिनेशन एक मैथमेटिक्स का होगा एक जनरल एबिलिटी का होगा तो मैथमेटिक्स का या तो सुबह हो जाएगा या तो शाम का हो शाम को होगा इसमें पहला पेपर होगा आपका फर्स्ट वॉली में आपका ढाई घंटे का होगा मैथमेटिक्स का तीन सौ मार्क्स का और जनरल अवेलेबलिटी में क्या होगा जनरल एबिलिटी में आप लोगों का ये भी ढाई घंटे का होगा इसमें छः सौ नंबर का आएगा तो पूरे टोटल कितने नौ सौ नंबर के आएंगे नौ सौ नंबर में अब जैसे जनरल अवेलेबिलिटी में जनरल एवेलिटी में क्या होते हैं जैसे आपको इंग्लिश हो गया जीके हो गया साइंस से या ये सब आ जाएंगे लेकिन मैथमेटिक्स पूरे अभी ट्वेल्थ का जो सिलेबस होता है मैथमेटिक्स में वही सब आएगा ठीक है एल सी एम एस सी एफ वही सब क्या होता है अब जैसे मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस दिया गया है अब यहाँ पर क्या दिया गया है एस एस बी इंटरव्यू आपका नौ सौ नंबर का होगा इंटरव्यू नौ सौ नंबर का और टेस्ट ये, ये जो मेरे दिया गया है इन द क्वेश्चन पेपर्स वेर एवर नेसेसरी क्वेश्चन इन्वॉल्विंग इन द मेट्रिक सिस्टम ऑफ बेट द मेजर ओनली विल बी सेट ये सब वही बताया गया है अब यहाँ पे देखो जिससे क्या क्या है इसका मैथमेटिक्स कोड का मतलब तीन सौ नंबर में क्या क्या आएगा अब जैसे बीज गणित होता है ना आपका अल्जब्रा मतलब बीज गणित इसमें सब कुछ कंसेप्ट सेट मैंने समुच्चय दिया गया ऑपरेशन सेट दिया गया है बेंस डाइग्राम क्या होते हैं मॉर्गन का नियम सब कुछ मतलब सेट से ही आ जाएगा अल्ज्रा में मैट्रिक्स मैट्रिक्स और डिटर्मेंट का क्वेश्चन ये जरूर आता ही आता है ठीक है और फिर ट्रिगोमेट्री के बिना तो सब कुछ अधूरा ही रहता है ट्रिगोमेट्री आएगा ही अब देखो एनालिटिकल जोमेट्री टू थ्री डायमेंशन मतलब वही जैसे आप लोग जो जैसे दो बीमे या तीन बीमे गा जामित होता ना वही उसके बारे में बताया गया अगर टू डी थ्री डी और डिफरेंशियल कैलकुलेसन मतलब अवकलन समाकलन इसकी इसका भी क्वेश्चन आएगा फिर इंटीग्रल कैलकुलस यही हो गया वेक्टर अलज तो आएगा ही तो सभी इम्पॉर्टेंट है और प्रोबेबिलिटी भी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आप लोग सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी के मेरे में जैसे क्वेश्चन लगभग पाँच से छः क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के आए ही थे तो एक दो क्वेश्चन आप लोग इसका डाउनलोड भी कर सकते हैं इसका क्या होगा मैं या तो दे दूंगा इसका लिंक एक दो टेस्ट पेपर आप लोग देख सकते हो अब जैसे यहाँ पे इंग्लिश आ गया इंग्लिश के आ गया, गया दो सौ नंबर का जैसे 600 सौ तुम्हारा जनरल का होगा ना इसमें दो सौ नंबर का इंग्लिश आएगा इंग्लिश में जो ही ग्रामर आएगा ट्रांसलेशन जैसे एक्टिव पैसिव दे देगा दे उसको सही करना होगा अब यहाँ पे जैसे करंट जनरल नॉलेज में आ गया अब जनरल जैसे जैसे हिस्ट्री से आ जाएगा क्वेश्चन साइंस से आ जाएगा जनरल साइंस मतलब सोशल साइंस जियोग्राफी करंट जैसे भूगोल इतिहास ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन बना के आपको दे देगा जैसे इतिहास का भी फिजिक्स में सब कुछ ये दिया गया है कि क्या क्या आएगा फिजिकल प्रॉपर्टी मैटर ऑफ स्टेट मास बेट जैसे बेलूम डेस्ट जैसे तो सब तमाम है आपका इस पूरे मतलब पूरे पूरे नहीं होते हैं मेन मेन चैप्टर आपको क्या तैयार करना है जैसे आपको तैयार कर लेना है बारह का जैसे क्या होता है विद्युत चैप्टर और मैग्नेट उसके बाद में आ गया मान लो फिर आ जाना आप लोग इसमें बल वाले में फोर्स क्या होता है फोर्स की न्यूटन के नियम वगैरह ये सब तैयार कर लेना और फिर थोड़ा बहुत गैस वाले आते हैं गैस स्टेट्स से और फिर मान लो मॉडर्न मा, केमिस्ट्री फिजिक्स में आ जाए तो मॉडर्न से बहुत मुश्किल के आए लेकिन थोड़ा बहुत हो सकता है आ जाते हैं तो ये सब मेन है इसको आप लोग तैयार कर लेना केमिस्ट्री में वही सब मेन है जैसे क्या हो जाएगा मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है अब यहाँ पे केमिकल कानिक मतलब फिजिकल केमिस्ट्री वाले से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे और थोड़ा बहुत ऑक्सीडेशन रिडक्शन से उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा रिडक्शन नंबर कितना होगा यही सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे ठीक है अब जेंरल साइंस में क्या हो जाए डिफरेंस बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग मतलब इन सजीव निर्जीव क्या होते हैं इन सब के बारे में यही सब छोटे छोटे पूछ लिए जाएंगे ठीक है अब उसके बाद में आ जाते हैं हिस्ट्री और फ्रीडम यही सब ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ पे दिए जाएंगे अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है यहाँ पे जैसे आपका क्या होगा इंटेलिजेंस एंड पर्सनालिटी टेस्ट मतलब इसमें क्या होगा जैसे अभी आप लोग अगर यहाँ पे रिटर्न वगैरह क्लियर कर लेते हो फर्स्ट फर्स्ट वाला फेज अगर आप लोग क्लियर कर लेते हो रिटर्न वाला टेस्ट तो क्या होगा आप लोग को दस से पंद्रह दिन के या लगभग एक महीने के बाद में आप लोग का शॉर्ट लिस्ट का मेल आएगा शॉर्ट लिस्ट के मेल में क्या होगा आप लोग को ये असाइन किया जाएगा आपका एस एस बी शेड्यूल किया जाएगा अब उस एस एस बी शेड्यूल कर होने के बाद में आप लोग को उस पर्टिकुलर लोकेशन पे जाना पड़ेगा जहाँ पे एस एस बी आपका शेड्यूल होगा वहाँ पे जाने के बाद में आपके दो स्टेज होते हैं एक तो होता है पी पी डी टी मतलब पिक्चर कंसेशन होता है और डिस्क्रिप्शन उसके बाद में क्या होता है दूसरा आप लोग जो आप लोग ये सब क्लियर कर लोगे फिर दूसरा स्टेज आएगा और इसमें क्या होगा कंपरिजन एंड इंटरव्यू अब जैसे मेरा क्या था जैसे मैं, मैं फर्स्ट फेज में जैसे मैं गया तो वहाँ पे क्या होगा सुबह सुबह आपका थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसके बाद छोटा सा क्वेश्चन एम सी क्यू टाइप का क्वेश्चन लिया जाएगा अब एम सी क्यू टाइप का क्वेश्चन अगर वहाँ पे हो जाएगा उसके बाद में फिर क्या होता है वो लोग उसको कलेक्ट कर लेंगे कलेक्ट करने के बाद में फिर आपको एक पिक्चर दिखाया जाएगा वो लगभग होता है पच्चीस सेकेंड के आसपास का पच्चीस सेकेंड आसपास आपको दिखाएंगे एक उस रफ कॉपी और पेज दे देंगे ठीक है अब उस उस पेज पे क्या करना पड़ेगा आप लोग को वही पच्चीस सेकेंड तक उसको देखना पड़ेगा जो भी पिक्चर दिखाया जाएगा मेरे केस में क्या था एक नदी था मतलब पूरा एकदम क्लियर नहीं होता है ब्लैंक एक एकदम सफ़ेद टाइप का वाइट एंड ब्लैक एंड वाइट टाइप का इमेज होता है उसको क्या कर दिया जाता है वो लोग दिखा देते हैं मेरे में क्या था एक नाव था उस और उससे एक नदी था उस उस नाव पे एक आदमी बैठा हुआ था उसके उधर कुछ लोग खड़े थे तो उसको देख कर ए, उसमें कुछ गेस करना था ये क्या सोच रहे हैं किस बारे में सोच रहे हैं क्या होने वाला है उसके बारे में सब कुछ आपको मैंसन कर कर के उसको नोट कर लेना था नोट करने के बाद में आपको उसके बारे में लिखना था तो वही चार से पाँच मिनट आपको टाइम मिलेगा लिखने के लिए तो आप लोग को वहाँ पे आप लोग जब लिख लोगे लिखने के बाद में फिर वो लोग सबमिट कर लेंगे सबमिट करने के बाद में फिर क्या होता है आपका लगभग एक से दो घंटे के बाद में वो लोग इंटरव्यू के लिए बुलाएँगे तो इंटरव्यू होता है ना तो लगभग मेरे में क्या था बीस बीस लोग का एक ग्रुप बना दिए थे तो मेरे में बीस लोग एक साथ एक ग्रुप में आए हुए थे तो क्या हुआ था उस ग्रुप में पहले एक एक वन बाई वन सबको बोला बोलने को बोलते हैं कि अपना इंट्रोडक्शन दे दो तो अपना इंट्रोडक्शन जो देता है उसी में पता चल जाता है किसका होने वाला है किसका नहीं अब मैं मैं था क्या था <coughs> लगभग ट्वेल्थ में था ट्वेल्थ पेयरिंग या ट्वेल्थ पास आउट था हो गया था तो अभी अब वो था उसके बाद इंग्लिश तो उतना अच्छे खासी आती नहीं थी अब मेरे साथ दो आए थे वहाँ से जम्मू एंड कश्मीर से तो उनका क्या हुआ था वो दो मेरे ग्रुप से सेलेक्ट हुए थे मेरा क्या हुआ था उसमें नहीं हो पाया था तो वही मैं बता रहा हूँ कि जिससे क्या होता है इंग्लिश आपको अच्छी खासी तैयार कर लेना खूब अच्छी खासी बोलना आना चाहिए तो उसमें जाओगे फिर उसके पे जो भी आपने लिखा था उसके बारे में पूरा डिस्क्राइब करके आपको बताना है इसमें क्या है कैसे डिस्क्राइब किया गया है सब कुछ अब उसके बाद जब वन बाई वन सब कुछ बोल लिए तब तो क्या करना पड़ेगा और फिर उसको आप लोग को पूरा कंक्लूजन देना है ये नहीं कि, किसी का वेट करें अब हम क्या था मुझे उतना पता नहीं था कि एस क्या होता है अब बाहर वो दोनों लड़के जो थे वो काफ़ी अच्छे होशियार थे तो वो क्या कर दिए थे हम लोगों से बोल दिए कि तुम लोग बोलना बाद में मत बोलना मैं हम लोग इसको कंक्लूड कर देंगे हो जाएगा एक साथ ग्रुप में अब हम लोग क्या था उतना पता नहीं था तो वो लोग उसका कंक्लूजन वगैरह दे दिए थे काफ़ी अच्छा अच्छा खासा बोल भी रहे थे तो इसलिए उनका हुआ था बाकी हम लोग अट्ठारह लोग का वहाँ पे फिर उसी दिन वापस चले आए थे स्क्रीन आउट हो गए थे <coughs> फिर अगर इस स्टेज से जो लोग दो पास हुए थे इनको क्या करिए किया जाएगा पाँच दिन के लिए एस के लिए रखा जाएगा तो आप लोग को इस एस देना पड़ेगा और फिर उसके बाद में फिर तो मेरा उसमें हो गया था क्या कहते हैं एस एस नेवी में तो हो गया था मेरा इन दो नेवी के दो उसमें हो गया था फिर मेरा जेई एडवांस मेन से हो गया था तो एडवांस के लिए मैं थोड़ा जा नहीं पाया उसके चक्कर में अब यहाँ पे दिया गया इंस्ट्रक्शन ये क्या है इंस्ट्रक्शन क्या क्या दिए गए हैं इन सब के बारे में बताया गया है तो यही है आप लोग यहाँ पे देख सकते हो सब कुछ इसके बारे में डिटेल मैंने बता दिया इसका एस एस बी वगैरह के बारे में भी थोड़ा बहुत मैंने नॉलेज दे दिया है अब अब मैं आप लोग को जैसे यहाँ पे पूरा ही कैसे बबल वगैरह फिलअप करना पड़ेगा सबको पता ही होगा अब मैं इसका लिंक वगैरह दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे आप लोग जाके इसको डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो तो मैं बता दूँ कैसे आप लोग को ये अप्लाई करना है कैसे क्या करना है तो जैसे ये वाला आप लोग यहाँ पे लिंक देख रहे हो ना जैसे एनडीए के लोग मान लो किसी को अप्लाई करना होगा मैं ये लिंक दे दूँगा यहाँ पे ये वाली इसको क्या करना है आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा क्लिक करने के बाद इस तरीके से आ जाएगा अब इस तरीके से आ जाने के बाद में आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे जाना पड़ेगा आप जैसे यहाँ पे जाओगे आप लोग यहाँ पे वही सब कुछ पढ़ लेना है फिर उसके बाद क्लिक करना है हाँ मैंने सब कुछ पढ़ लिया है अब उसके बाद फिर यहाँ पे देखो आपको रजिस्ट्रेशन के लिए सब कुछ आएगा आपको अपना नाम दे देना होगा नाम यहाँ पे नेम देना पड़ेगा फिर आपको मेल या फीमेल जो भी आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा फिर वही सब कुछ है। जैसे फॉर्म फिलअप किया जाता है तो वही फॉर्म फिलप कर देना है आगे बढ़ जाना है फिर आपको सेकेंड स्टेज में जाके यहाँ पे देखो उसके बाद फिर क्या है पंजीकरण के बाद पेमेंट करना है पेमेंट के बाद फ़ोटो वगैरह अपलोड कर देना है फिर सेंटर का सिलेक्शन कर देना है यही चार पांच स्टेप दे गए हैं तो इसको आप लोग कंप्लीट कर सकते हो और फिर आप लोग जाके अप्लाई कर सकते हो तो काफ़ी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है आप लोग इसको ले लो चलो थैंक